ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। कितना सुंदर रहस्य युक्त बाबा का महावाक्य है कि यदि तुम अचल स्थिति के आसन पर बैठे रहोगे तो स्वर्ग में सिंहासन प्राप्त हो जाएगा। स्वराज्याधिकारी विश्वराज्याधिकारी बनते हैं, सहज योगी आत्माएं विश्वराज्याधिकारी बन जाते हैं, और जो चारों सब्जेक्ट में फुल मार्क्स लेते हैं वो कई बार विश्व पर राज्याधिकार प्राप्त करते हैं। परंतु हमें अपनी स्थिति को चारों सब्जेक्ट की बल से अचल अडोल बनाना है। हमें बाबा का ये भी सीक्रेट महावाक्य याद रखना चाहिए कि यदि तुम अचल अडोल स्थिति के सिंहासन पर बैठे रहो तो सारी समस्याएं इस सिंहासन के नीचे दबकर नष्ट हो जाएंगी। क्योंकि अचल अडोल स्थिति रहने में हम बहुत पावरफुल भी हो जाते हैं और निसंकल्प भी, तब हमारे शक्तिशाली वाइब्रेशंस सभी समस्याओं को नष्ट कर देते हैं। तो विभिन्न परिस्थितियों में ग्रस्त में रहते हुए, अनेक बातें सुनते हुए, अनेक समस्याओं को फेस करते हुए, अपनी शारीरिक बीमारियों को भी फेस करते हुए, विभिन्न संस्कारों वाले मनुष्यों के साथ रहते हुए, हमें अपनी स्थिति को अचल बनाना है। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, अनेक बातें मनुष्य के सामने आती हैं, मान अपमान भी उसे सहन करना पड़ता है, सुख दुख भी उसके जीवन में बहुत आते हैं, सफलता असफलता भी उसका मार्ग रोकती है, हार जीत सर्दी गर्मी ये भी बाधाएं उत्पन्न करती हैं। परंतु यदि हम मास्टर सर्वशक्तिवान के स्वमान में रहें, यदि हम ज्ञान चिंतन करके ज्ञान में मग्न रहें तो हमें ज्ञान का बल प्राप्त होता रहेगा, और ये ज्ञान का बल हमें विभिन्न स्थानों पर अचल रहने में बहुत मदद करेगा। यूं तो सर्वप्रथम हमें योग का ही बल चाहिए। योग का बल होने से जब हम स्वमान में स्थित होते हैं तो हमारी स्थिति बहुत सुंदर हो जाती है। अन्यथा कभी कभी ये होता है, केवल स्वमान के अभ्यास करने से मनुष्य अपने को बहुत शक्तिशाली और सफल महसूस नहीं करता है। तो योग बल तो पहली पहली चीज होनी चाहिए। 4 घंटे रोज योग करने वालों में ईश्वरीय शक्ति रहती है, योग का बल रहता है। जो 6 घंटे योग करते हैं उनकी सकार संसार को मिलती रहती है, और जो 8 घंटे और उससे ज्यादा करते हैं वो तो इस संसार के लिए लाइट हाउस माइट हाउस हैं, वो तो ज्ञान सूर्य हैं, मास्टर ज्ञान सूर्य हैं। उनके प्रकाश से, उनकी शक्तियों के वाइब्रेशन से माया के जर्म्स नष्ट हो जाते हैं। तो योग का बल भी बहुत चाहिए, लेकिन अपने पास ज्ञान की कुछ पॉइंट्स बहुत स्ट्रांगली रखें, जो हमें अचल अडोल बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाए। जैसे मुझे छोटी छोटी बातों को माइंड नहीं करना है, मुझे छोटी छोटी बातें सुनकर अपने को परेशान नहीं कर देना है, कुछ भी हो जाए मुझे अपनी स्थिति को डिस्टर्ब नहीं करना है। ऐसे सुंदर थॉट भी हमें बहुत मजबूत बनाते हैं। अन्यथा कभी कभी क्या होता है कि मनुष्य इतना सेंसिटिव हो जाता है कि हर छोटी बात उसकी मनोस्थिति को प्रभावित करने लगती है, और तब उसको अचल अडोल रहना बहुत दूर की बात लगती है। तो आइए आज हम अभ्यास करेंगे। मेरा पूज्य स्वरूप विष्णु स्वरूप महाविष्णु को देखें, शेषय्या पर विराजमान, 5 विकार जिनकी छत्र छाया बन गए,
चारों ओर सागर में लहरें और तूफान, लेकिन जो अचल अठोल बन गए, जो गीता ज्ञान में मग्न हैं और धन लक्ष्मी जिनके चरणों में है, ये है हमारी स्थिति। अपने स्वरूप को बार बार स्मृति में, विजुअलाइजेशन में लाएंगे और संकल्प देंगे, ये मैं हूँ, ये मेरी स्थिति है, तो अपने पूज्य स्वरूप का बहुत अच्छा नशा आज रखेंगे, बहुत सुंदर इसकी अनुभूति करेंगे और साथ में अभ्यास करते रहेंगे। बीच बीच में मैं परम धाम में सर्वशक्तिवान के साथ हूँ। तो आप सबको बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति।